हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है मैंगो डेजर्ट। मैंगो डेजर्ट बनाने के लिए मैंने 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है और ये बादाम ड्रिंक मिक्स लिया है जो कि 3/4 कटोरी है। इसको नॉर्मल पानी में मिक्स कर लेंगे। जब ये पाउडर अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएगा तब इसको उबलते हुए दूध में ऐड कर देंगे। अब दूध को हिलाते रहेंगे। बादाम ड्रिंक मिक्स मिलाने से रबड़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा और दूध भी जल्दी गाढ़ा होगा। इसको जल्दी गाढ़ा होने के लिए मैंने 2 टीस्पून साबूदाने का पाउडर लिया है जो कि पानी में मिला करके दूध में ऐड कर दिया। इससे दूध बहुत ही जल्दी गाढ़ा हो जाता है और पाउडर से बिल्कुल साबूदाने के जैसा पता नहीं चलता है। अब दूध गाढ़ा हो गया है। अब इस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और रबड़ी को ठंडा कर लेंगे। अब रबड़ी को एक बाउल में पलट लेंगे और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी इलायची पाउडर। और ये मैंने मैंगो का पल्प बना के रखा है जो कि 1 मैंगो लिया है मैंने और उसको ग्राइंड कर लिया है। इसको रबड़ी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। रबड़ी के साथ मैंगो पल्प को मिक्स करने के बाद अब इसको प्लेटिंग करेंगे, जिसके लिए कि एक डिश लेंगे और इसमें रबड़ी को पलट देंगे और जो भी फ्रूट हमारे पास है उससे इसको गार्निश करेंगे। मैंने थोड़े से ये 8-10 ग्रेप्स लिए हैं जिसको कि 2 पार्ट में काट लिया है और मैंगो के लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं और थोड़े से टूटी फ्रूटी से मैंने इसको गार्निश किया है। अब काजू बादाम और पिस्ता से इसको साइड में गार्निश कर देंगे। इससे कि देखने में जितना ये खूबसूरत लग रहा है खाने में भी ये डिश उतना ही डिलीशियस है। आप ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt.